अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड, जिसको हम सेकेंड नेम डेटिव कवलेंट बॉन्ड से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड कहा जाए या डेटिव कवलेंट बॉन्ड कहा जाए, इसका एक ही मतलब है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड को। इसको स्टार्ट करने से पहले पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और सेकंड में हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट पे हम इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो है हम इसकी फॉर्मेशन जो है कि हाउ इट इज़ फॉर्म, मतलब कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो कैसे रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स वन बाय वन इन पॉइंट्स को क्लेरिफाई करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड की तरफ। तो हम कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड क्या है स्टूडेंट्स, अ कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ओनली। होता इसमें ये है स्टूडेंट्स के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड होता है या डेटिव कवलेंट बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास दो बॉन्ड हमेशा दो एटम्स के दरमियान में बन रहा होता है, ठीक है। तो जब दो एटम्स होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एक एटम होता है वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा का पूरा एक एटम क्या करता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर वो शेयर करता है दूसरे एटम को। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन जो बच्चों के बीच में अक्सर देखने में नज़र आती है, वो ये कहते हैं कि हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड में फिर क्या डिफरेंस रहा। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड में, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो शेयर होते हैं, एक एटम देता है और दूसरा लेता है। इसमें क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में, एक एटम देता है और दूसरा एटम ले रहा होता है। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड या डेटिव कवलेंट बॉन्ड। तो होप्स हो कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आयनिक बॉन्ड से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो एक एटम डोनेट करता है और दूसरा उसको ले लेता है, ठीक है, तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड है इसमें क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में जो है वो एक एटम डोनेट करता है और दूसरा लेता है, ठीक है, वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ओनली। ओनली लिखने का मकसद यहाँ पर ये है कि एक एटम देगा इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड या डेटिव कवलेंट बॉन्ड। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई साइड पे। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल्स जो है, ये आपको मैंने फाइव एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाती है अमोनिया और BF3 के दरमियान में एग्जाम्पल। अमोनिया और BF3 में क्या होता है कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड शो करते हैं। इसके अलावा जो वाटर और एच पॉजिटिव जो है प्रोटॉन आप कह सकते हैं या हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, इसके नाम में भी जो बॉन्ड बनेगा वो भी कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड होगा। इसके अलावा जो अल्कोहल्स हैं, ROH अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है, अल्कोहल्स में भी जो है वो कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड पाया जाता है ROH एंड H पॉजिटिव के दरमियान में। इसके अलावा ROR एथर है, एथर एंड H पॉजिटिव के दरमियान में भी जो है कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और लास्ट में ये जो अमोनिया एंड H पॉजिटिव के दरमियान में भी जो है कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। तो ये स्टूडेंट्स जो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंशन किए हैं, अब इनको मैं वन बाई वन एक्सप्लेन भी करूँगी। यही नहीं कि जस्ट मैंने एग्जाम्पल्स मैंशन कर दी, बल्कि इनको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड है इनके बीच में फॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट था स्टूडेंट्स एग्जांपल्स के बाद रिप्रेजेंटेशन, तो आपको पता होना चाहिए, ये मैं मेंशन कर देती हूँ बल्कि पॉइंट्स को, कि फर्स्ट पॉइंट जो है हमारी ये डेफिनेशन है, सेकंड में मैंने एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया, सॉरी मेंशन किया, एक्सप्लेन भी करूँगी अभी। थर्ड में मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन को मेंशन किया है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हम ना सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं, ठीक है, ये नोटेशन होती है कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड को शो करने की, कि जो है वो किस तरह से मतलब बॉन्ड बन रहा है। एक एटम जो डोनर होता है उसकी तरफ आपने इसकी टेल करनी है और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसकी तरफ आपने इसका हेड करना है। यानी कि यहाँ से अगर एटम दे रहा है तो आपने यहाँ पर डोनर होगा हेड वाली साइड, टेल वाली साइड पे सॉरी, और हेड वाली साइड पे क्या होगा, कौन होगा, एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर एटम होगा, ठीक है।
ये आपने मेंशन किया, तो इस तरह से आपने ये जो है ना सिंगल हेडेड एरो से इसको रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, एग्जांपल्स को हम जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इसकी फॉर्मेशन जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है डोनर एटम है, अमोनिया है, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी मैंने आपको स्टार्ट में मेंशन की हुई है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने ये मेंशन की हुई है अमोनिया एंड BF3 के दरमियान में कि किस तरह से इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आप देखें कि आपके पास जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 ही 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने मेंशन किए हैं। ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल के थ्रू भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या दूसरी तरह से भी इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये बॉन्ड इसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इस हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये इस नाइट्रोजन के सबके साथ एक एक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अब इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये पूरा का पूरा अपना दे देगा किसको, ये बोरॉन को दे देगा। अब बोरॉन के पास जो है आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये इसके अंदर जो है कमी होती है, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। और फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, ये मैंने मेंशन किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आप देख रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और ये वाला इसके साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। और इस तरह से इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है स्टिल अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करता है नाइट्रोजन, ये अमोनिया का जो नाइट्रोजन है ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको जो है डोनेट कर देता है। तो इसी वजह से इस एटम को हम जो है इस मॉलिक्यूल को हम इसको क्या कहते हैं डोनर, इस नाइट्रोजन एटम जो है यहाँ पर ये डोनर है और यहाँ पर जो बोरॉन है ये क्या है एक्सेप्टर एटम है। और इस तरह से डोनर और एक्सेप्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से आपने ये देखें कि सिंगल हेडेड एरो से मैंने आपसे कहा था कि इसको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, जहां पर डोनर होगा उस तरफ आपने टेल रखनी है और जहां पर एक्सेप्टर होगा उस तरफ आपने हेड रखा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से जो है ना आपने शो करना है। तो आप इसको मेंशन कर रहे हैं कि नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो यहाँ पर आप इसके ऊपर प्लस चार्ज डालेंगे, ठीक है। ये देने के बाद आपने फिर इसको मेंशन नहीं करना, ठीक है। ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसने दे दिया है, तो प्लस चार्ज, और इसने इसको एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये इस तरह से इसके बीच में ये जो है सॉरी कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ये आपने इसको ब्रैकेट में शो कर दिया, ठीक है। इनको अपने ब्रैकेट्स में शो करना होता है, ये कम्प्लेक्स या इसको हम एडक्ट भी कहते हैं। इनकी जो इसकी प्रोडक्ट बनती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, इसको हम क्या कहते हैं एडक्ट कहते हैं। एडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं होती या रिमूव नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऐड होती है, और जो इसकी प्रोडक्ट है, तो इसके दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये तो होगी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स अपनी अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो कि हमारे पास वाटर और एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के दरमियान थी। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे पास वाटर है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं। तो वाटर में ये क्या है, इसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये क्या करता है, अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इसको दे देता है हाइड्रोजन आयन को, और यहाँ पर ये डोनर होगा और ये एक्सेप्टर होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इन ये इसको एक्सेप्ट करेगा, और ये बीच पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसने दिया है। और जो है ये आपने एरो भी आपने मेंशन किया कि ऑक्सीजन ने दिया, तो इसी वजह से ये एरो जो है आप देख रहे हैं एच की तरफ जा रहा है हाइड्रोजन की तरफ। तो इसको आपने इस तरह से ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल हो गई है। अब आप बस थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं। थर्ड एग्जांपल में तो स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल में आपके पास जो है ये आपका जनरल फार्मूला अल्कोहल्स हैं, ठीक है, अल्कोहल्स। तो अल्कोहल के पास भी ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एच पॉजिटिव को दे देता है, तो ये डोनर है और दूसरा एच पॉजिटिव जो है ये एक्सेप्टर है। और इस तरह से इनके बीच में आप देख रहे हैं कि ROH, इसी तरह सेम आपने बस यहाँ पर क्या किया है कि इस एटम को चेंज कर दिया, हाइड्रोजन की जगह आपने अल्काइल ग्रुप R लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन होगी जो कि मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी वही होगा। लेकिन अभी यहाँ पर ओक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल्स इसको कहा जा रहा है,
क्यों ऑक्सोनियम आयन कहा जा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जब भी प्लस चार्ज आता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब ये अल्कोहल्स का है तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल्स। इसके बाद ये भी आपने देखा कि जो है इनके अंदर भी क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ये जिसको हमने जो है सिंगल हेडेड एरो से शो कर दिया है। अब हमारे पास अनदर एग्जाम्पल जो है, फोर्थ एग्जाम्पल है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ एग्जांपल थी एथर की। तो एथर की जो है किस तरह से फॉर्मेशन हुई, कि ये देखें एथर है और सॉरी एथर किस तरह से जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कि ये एच पॉजिटिव को ये क्या करता है, अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसने डोनेट किया है तो इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज आ गया और ये ऑक्सोनियम आयन ऑफ एथर्स कहलाएगा, क्योंकि एथर के दरमियान में आर ओ आर एथर है, एथर का जनरल फॉर्मूला है। तो ये ऑक्सोनियम आयन ऑफ एथर्स जो है वो इनके अंदर भी क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और ये लास्ट एग्जांपल जो आपके पास फिफ्थ एग्जांपल है, जो कि अमोनिया और हाइड्रोजन आयन के बीच में बना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको भी आपने इस तरह से सिंगल हेडेड एरो से शो करेंगे। टेल जो है वो लॉन पेयर डोनर की तरफ रखेंगे और जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ, यानी कि ये आपका डोनर कहलाएगा और ये वाला एटम जो है आपका एक्सेप्टर कहलाएगा। और इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि NH3 जो है ये और हाइड्रोजन आयन, तो अब ये इसके ऊपर आप ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी प्लस चार्ज मेंशन कर सकते हैं। तो ये बना आपका अमोनियम आयन, आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं NH4 और इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है पाँचों एग्जाम्पल जो हैं वो हमने मैंने आपसे डिस्कस की है और इसको डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि बॉन्ड किस तरह से आपका जो कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड है वो किस तरह से बन रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक एटम जो है वो पूरा का पूरा शेयर्ड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो जो है डोनेट करता है और दूसरा जो एटम है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो आपने देखा कि ये सारी एग्जांपल्स में जो है एक एटम जो है वो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी शेयरिंग हो रही है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बना वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहला रहा है। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये लेक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।